तो एपिसोड की शुरुआत होती ही है कि युकितो जो होता है वो फिर से प्लान करने लगता है 10,000 फॉलोअर इकट्ठा करने के लिए। इस आइसोलेशन कैंप में सिर्फ 2,000 लोग होते हैं, लेकिन युकितो के पास प्लान होता है। वो बताता है कि हमारा रिलीजन कल्चर है वो बहुत ही ज्यादा हाई नहीं है और कैरिज्मेटिक नहीं है ना हमारा गॉड ना ही हमारे फाउंडर्स। इसी वजह से हमें मुश्किल आ रही है इसको बिलीव करवाने में, तो इसलिए हमें जो हमारा स्कोप है उसको बहुत ज्यादा बढ़ाना पड़ेगा, यूटिलाइज करनी होगी मितामा की पावर। और उसके बाद ये लोग बहुत ही फ्यूचरिस्टिक दुनिया बना देते हैं जहाँ पे ट्रैक्टर होते हैं, गेहूँ काटने वाली मशीन होती है और इस तरह की चीजें, जिसको देख के सारे लोग शॉक में होते हैं और सबको बहुत मजा आ जाता है कि इतने आसानी से कैसे। युगी तो बताता है कि ये है पावर भगवान की, मितामा की, तो जो भी फॉलोअर इसका बनेगा उन सभी लोगों को ये यूज करने को मिलेगा। ये सब करने के बाद मितामा की हालत थोड़ी सी खराब होती है, लेकिन उसके पास 927 फॉलोअर्स हो जाते हैं जो की काफी ज्यादा बढ़िया होते हैं। उसके बाद जो आल होती है बाहर से पानी भर के ला रही होती है, पानी उसके हाथ से छूट जाता है और उसके ऊपर सारा जाता है और वो खतरनाक दिखने लगती है। अब खतरनाक किस सेंस में वो आप देख ले। और युकितो को इसी से आइडिया हो जाता है कि उसको नेक्स्ट टारगेट करना है वाटर, और वो हर जगह टंकियां लगवा देते हैं जिससे पानी आने लगता है और जितने भी लोग होते हैं सबके पास पानी ही पानी होता है। और जो उसकी बड़ी बहन होती है सल, वो तो खतरनाक कपड़े पहन के स्विमिंग सूट में आ जाती है। बाहर देखने को मिलता है पूरा वाटर पार्क की जैसी जगह जहाँ पे सारी लड़कियां नहा रही होती है। रॉय बार बार देख देख के सबको पागल हो रहा होता है। इवन जो आल होती है वो अपने आप को युकितो को दिखा रही होती है और रॉय के नाक में से खून निकलने लगता है। युकितो जो होता है आल की भी तारीफ करता है, जिसके बाद वो बहुत ज्यादा खुश हो जाती है और उसके बाद ये सारे एंजॉय करने लगते हैं। जो मितामा होती है वो दोबारा से सूख जाती है क्योंकि उसने सारी पावर यूज कर ली होती है वाटर को पंप करने के लिए, लेकिन थोड़ी देर बाद बिल्कुल ठीक हो जाती है क्योंकि अब उसके पास होते हैं फॉलोअर्स 1659। जो तीसरी चीज ये लेके आते हैं वो लाते हैं इलेक्ट्रिसिटी और बिलीव करवा देते हैं सबको इसके अंदर भी रात में भी इलेक्ट्रिसिटी प्रेजेंट रह सकती है। और उसके बाद जो सिल और आल होते हैं वो बनी बारटेंडर ड्रेस में आ जाते हैं जो कि काफी ज्यादा सही लगती है इनके ऊपर, और सारे लोग इसको एंजॉय कर रहे होते हैं, इनकी तारीफ कर रहे होते हैं और इनके ऊपर गंदी नजर भी रखते हैं। अब जितने लोग होते हैं वो रात में भी दारू पी सकते हैं, इसीलिए सारे खुश होते हैं। रॉय जो होता है वो सिल के ऊपर अपनी नजर डालता ही है कि सिल जो होती है एक लात मार के उसको गिरा देती है जो कि फिर आल के सामने गिर जाता है और आल के ऊपर फिर उसकी नजर जाती है उसकी तरफ बढ़ने लगता है। जो सिल होती है एक ट्यूबलाइट लाती है रॉय के सर पे फोड़ देती है। दूर से युकितो क्लैन और वो जो नाइट होती है वो देख रहे होते हैं, उनको बहुत ही मजा आ जाता है देख के ये शहर को। उसके बाद क्लैन जो होता है वो काफी एक्साइटेड होकर बोल रहा होता है कि एम्पायर के पास भी ऐसी चीजें नहीं है, जो एम्पायरिकल टाउन है उसके अंदर भी लाइट्स ऐसी नहीं है, उन लोगों को लालटेन यूज करनी पड़ती है। और ये जो लड़की होती है वो कहती है तुझे बहुत ज्यादा एम्पायर के बारे में पता है, तो आखिर है कौन, तुझे बहुत ज्यादा चीज कैपिटल के बारे में पता है, वो आइसोलेशन कैंप में कर क्या रहा है। और क्लैन बताता है कि वो इंपीरियल प्लेस में काम किया करता था और अपनी शर्ट उतारता है और उसके ऊपर कोई भी मार्क नहीं होता है, यानी वो अपनी मर्जी से यहाँ पे आया है और रहने लगा है। उसके बाद क्लैन जो होता है वो पूछने लगता है मितामा के बारे में, मतलब गॉड होते क्या है, गॉड का मतलब क्या होता है। फिर उसके बाद युकितो उसको बताने लगता है कि आखिर गॉड का मतलब क्या होता है और रेफर किस चीज को कर रहे होते। पहले तो कहता है कि मेरे को भाई अच्छे से पता भी नहीं है और मैं एक्सपर्ट नहीं हूँ, इसलिए मैं अपने शब्दों में बताऊँ। और वो बताता है कि मेनली दो तरह के गॉड होते हैं, एक जो होते हैं जो कि नेचुरल इवेंट्स होते हैं पूरी दुनिया में उसके लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं, और जो दूसरे होते हैं वो एक सिंबल की तरह क्रिएट करे जाते हैं एज अ रिलीजन। अब कहीं पे भी गॉड होना कोई स्ट्रेंज बात नहीं है, लेकिन यहाँ कोई भी गॉड एग्जिस्ट नहीं करते हैं, ये काफी ज्यादा स्ट्रेंज है। फिर जो लड़की होती है कहती है कि तो इसका मतलब ये है जो यहाँ पे एम्परर है वो गॉड कहलाएगा, क्योंकि जो एम्परर है वो सारी चीजें यहाँ पे कंट्रोल करते हैं, चाहे नेचुरल फिनोमेना हो, डिजास्टर हो, इलनेस हो, स्ट्रेंज बीस्ट हो, ये सारे के सारे एम्परर के अंडर में आते हैं और एम्परर जो चाहता है वो चीज होती है। और इन सारे इवेंट्स के बाद जो मितामा होती है उसकी पावर ओवरफ्लो करने लगती है और उसके 2008 फॉलोअर्स हो जाते हैं। तो इस गाँव में जो ऑलमोस्ट सारे विलेजर्स होते हैं सारे इसके फॉलोअर्स बन चुके होते हैं। और उसके बाद खबर आती है कि जो नाइट होती है उसको एक लड़की मार रही है और उसकी हालत बिल्कुल खराब है। फिर जो लड़की होती है वो पाइप से आते हुए पानी को देख रही होती है और कहती है कि मुझे इसके बारे में कुछ आइडिया नहीं है, एम्परर को मे भी आइडिया हो। और वो नाइट के ऊपर सारा पानी गिराती है और उससे सवाल पूछने लगती है कि कहाँ पे है और कौन है ये जो सारी चीजें कर रहा है और इसका मजाक बनाने में लगी होती है। उसके बाद जो लॉकी होता है वो उससे बात करने लगता है और उसे ये बताती है कि यहाँ पे बहुत सारी चीजें हैं और टूल्स हैं, कुछ ऐसी स्ट्रेंज चीजें हैं जो हमने कभी देखी नहीं है और उसका इस्तेमाल यहाँ पे हो रहा है। अब ये चीज करने की पावर सिर्फ और सिर्फ या तो एम्परर्स में है या तो आर्कॉन्स में है, या तो ये हो सकता है कि हम आर्कॉन में से किसी ने बिट्रे किया है हमें। उसके
बाद जो लोकी होता है और ये वाली जो आर्कॉन होती है, उन दोनों के बीच में थोड़ी सी कम्युनिकेशन दिखाई जाती है। आइसोलेशन कैंप के बारे में बात होती है जिसको एलिमिनेट करने की बात कर रहे होते हैं ये लोग, और राइट से बोलते हैं कि अब मेरा कोई भी इंटेंशन नहीं है तुझसे बात करने का, मैं एक दो तेरे हाथ पैर तोड़ दूंगी तो ही सारी चीजें सही होंगी। उसका हाथ दबाने लगती है, उतने में मिथामा आ जाती है और कहती है कि मुझे इसको बचाना होगा क्योंकि ये पार्ट है मेरी फैमिली की। और फैमिली वर्ड सुनते ही वो इस पे गुस्सा हो जाती है। बैटरिन जो होती है उसकी हालत होती है खराब, युगित उसके पास पहुंच जाता है। उसके बाद इन दोनों के बीच में वॉर शुरू हो जाती है, लड़ाई शुरू हो जाती है। जो ये आर्कॉन होती है वो अपनी पावर का इस्तेमाल करती है, जो मिथामा होती है वो भी बढ़िया से डिफेंड कर रही होती है, लेकिन वो अपने अटैक को स्टार्ट करती है और कुछ पेड़ पौधे जैसी चीजें निकालती है जिसमें से ह्यूमन जैसे कैरेक्टर्स निकलते हैं और वो फाइट करने लगती है उनसे। युगित कहता है अभी तो ये इवनली मैच्ड है लेकिन मिथामा की पावर थोड़ी देर में खत्म हो जाएगी, और ये वो बहुत ही खतरनाक अटैक मारती है और उस आर्कॉन को उसके अंदर बंद कर देती है। लेकिन वो आर्कॉन जो होती है वो अपनी पावर का इस्तेमाल करती है और तोड़कर उसे सब बाहर आ जाती है, और वो कोई अपना नया मोड निकालती है जिसमें बहुत सारे हाथ होते हैं और वो बहुत ही खतरनाक बन जाती है। मिथामा की जो पावर होती है वो खत्म होने लगती है, वो अपने आखिरी अटैक मारती है लेकिन उसको भी वो इजीली हरा देती है। अब वो आइसोलेशन कैंप की तरफ देखने लगती है और कहती है कि अब मैं इसको पूरा उड़ा दूंगी। फिर अंदर ये लोग जो क्लैन आल और सिल सारे लोग होते हैं वो लोग बात कर रहे होते हैं कि युगित ने मना कर रखा है उन लोगों को बाहर आने से, लेकिन आल कहती है कि मैं थोड़ा भी उन लोगों के लिए कर सकती हूँ तो मैं करूंगी, और ये बोल के वो वहां से चली जाती है। तो उसके बाद सारे लोग उसको फॉलो कर देते हैं। जो मिथामा होती है उसकी हालत खराब होती है लेकिन थोड़ा सा उसमें बिलीव करने लगता है युगित, और उसकी वजह से उसके अंदर पावर आती है जिसकी वजह से वो और भगवानों को ही बुलाती है, उनके हाथ आते हैं जिसकी मदद से वो उससे बड़ी अच्छे से फाइट करने लगती है। लेकिन वो जो भगवान होते हैं वो अपना हाथ उसकी तरफ से खींच लेते हैं क्योंकि जितने फॉलोअर्स इसके होते हैं उस हिसाब से कोई भी इसको सपोर्ट करना चाहता नहीं है। और उसके बाद जो आर्कॉन होती है वो डायरेक्ट टारगेट करती है उस गांव की तरफ और एक बहुत ही बड़ा ब्लास्ट करने वाली होती है, लेकिन उस ब्लास्ट को कोई रोक देता है और बीच में ही वो खत्म हो जाता है ब्लास्ट, और वो कोई और नहीं होता होता है क्लैन। क्लैन कहता है कि बस काफी हो गया अटार और रुक जाए, पर इस लड़की का नाम अटार होता है और जो क्लैन होता है वो एक्चुअली लोकी होता है, और ये असली फॉर्म अब युकित और बाकी लोगों को दिखाता है और बताता है कि मैंने खाली तुम लोग को मैनिपुलेट किया था ताकि तुम लोग बिलीव कर सको कि मैं तुम्हारा पार्ट हूँ, तुम्हारे साथ हूँ, लेकिन मैं एक्चुअली मेन आर्कॉन हूँ, अब मेरा नाम है लोकी। उसके बाद जो अटार होती है वो लोकी पे अटैक करने की बात कर रही होती है और कहती तूने ऐसा बेटर क्यों किया, अगर तेरा आंसर सही नहीं हुआ तो मैं तुझे अभी खत्म कर दूंगी। उतने में लोकी जो होता है वो गायब होता है और युगित के जस्ट पीछे आता है और बोलता है युगित और मिथामा अब टाइम आ गया है कि हमें खत्म करना होगा एम्परर को इस कंट्री के, और इसी के साथ ये एपिसोड खत्म हो जाता है। अगर बात की जाए कैसा था ये एपिसोड तो यार काफी ज्यादा एंटरटेनिंग और एंगेजिंग एपिसोड था और काफी मजेदार एपिसोड बनाया गया है। तो इस वीडियो में बस हम इतना ही रखेंगे, अगर आपको हमारी वीडियो पसंद है वीडियो को लाइक करना, चैनल को हमें सब्सक्राइब करना। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, सायोनारा, पीस आउट।